क्या आप जानते हैं ल्यूकेमिया क्या है? क्या ल्यूकेमिया बीमारी होने पर जान भी जा सकती है? अगर इस ल्यूकेमिया बीमारी की जानकारी समय पर ना हो या इसका इलाज कहां, किससे और कैसे करवाना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ल्यूकेमिया को एक प्रकार का ब्लड कैंसर माना जाता है। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों के लिए ल्यूकेमिया बिल्कुल नया शब्द हो और इसी कारण जब उनमें से किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो वे इसके इलाज के सही तरीके से अनजान रहते हैं और ल्यूकेमिया ग्रसित व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। ल्यूकेमिया जागरूकता माह के अवसर पर हमें ल्यूकेमिया के लक्षण और उपचार के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर रामदास पेट स्थित अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट एवं गंजू हेमेटोलॉजी हॉस्पिटल के डॉक्टर अवतार कृष्ण गंजू। तो आइए जानते हैं ल्यूकेमिया इस बीमारी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर अवतार कृष्ण गंजू, हेमेटोलॉजिस्ट हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट नागपुर में अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में हेड हेमेटोलॉजी के रूप में काम करता हूँ। और हम लोग जो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर की ब्लड से संबंधित बीमारियाँ, कॉमन बीमारियाँ जो अगर देखा जाए तो विदर्भ में इस एरिया में सिकल सेल, थैलेसीमिया या फिर जो अनकॉमन डिजीजेज जिसको ब्लड कैंसर्स कहते हैं वो, या फिर और कॉमन डिजीजेज जो कि एनीमियाज डेफिशिएंसी, एनीमियाज आयरन डेफिशिएंसी, बी12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स, इस तरीके की बीमारियों का हम निदान करते हैं और उनका इलाज करते हैं। सर, अगर रक्त की व्याधि के बारे में बात करें तो ल्यूकेमिया, ये जो रक्त व्याधि है, ल्यूकेमिया क्या होता है, क्या कहेंगे? ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया को अगर हिंदी में कहें तो ब्लड का कैंसर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मॉलिकुलर लेवल पे कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। स्टेम सेल मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा पहले कि ब्लड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट होता है। ये RBC, WBC, प्लेटलेट, इनका कॉमन पेरेंटेज होती है, कॉमन पेरेंट, जिसको हम प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं, स्टेम सेल जिसको स्टेम सेल नाम से जाना जाता है। और ये जो स्टेम सेल है इसमें अगर डिफेक्ट आ जाए तो कैंसर डेवलप हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सेल्स बन रहे हैं RBC, WBC, प्लेटलेट, उनका बनना बंद हो जाए, या तो बनना बंद हो जाए या अधिक बनना शुरू हो जाए। जब वो अधिक बनना शुरू होते हैं और शरीर के कंट्रोल में नहीं रहते तो ऐसी बीमारी को हम कैंसर के रूप से जानते हैं, और अगर ये ब्लड को इन्वॉल्व करती है तो इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें यूजुअली एक किस्म का सेल बढ़ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, एक्यूट ल्यूकेमिया है, एक्यूट ल्यूकेमिया में एक किस्म का सेल WBC बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है, एक के दो, दो के चार, इस तरीके से सारी बोन मैरो को वो फ्लड कर देता है, यानी पूरा भर देता है। जब वो पूरा भर दे तो बाकी सेल्स काम नहीं करते, तो बाकी जैसे कि RBC प्रोडक्शन बंद हो जाता है, प्लेटलेट प्रोडक्शन बंद होता है। ये ठीक वैसी ही जैसे एक कमरे में मैं बैठा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं बातचीत कर रहा हूँ, आप मेरी सारी बात समझ सकते हैं, मगर अगर इस दरवाजे से 100 लोग अंदर आ जाएं तो मेरा काम बंद हो जाएगा। ठीक वैसे ही बोन मैरो में होता है, ये सेल्स बढ़ जाते हैं और ये इसके बढ़ने से वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि जो बाकी सेल्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, अगर RBC नहीं बन रहा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, WBC जो नॉर्मल WBC है वो नहीं बन रहे तो WBC कम हो जाएंगे, तो उससे फीवर आएगा, और प्लेटलेट बनना बंद हो जाएंगे, तो प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, तो उसके शरीर में लाल रंग के निशान या नाक से, दांत से, लैट्रिन से ब्लीडिंग हो सकती है। तो जो सिम्टम्स इसके होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उसने बोन मैरो को कितना इन्वॉल्व किया। अगर ये 100% इन्वॉल्व कर दिया तो आपका नेचुरली WBC कम हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये सेल्स इतने भर जाते हैं, फिर ओवरफ्लो होते हैं बोन मैरो से बाहर, तो ब्लड में भी वो कैंसर सेल दिखने लगते हैं। जो WBC अगर किसी का नॉर्मल 5 से 10 हज़ार हो तो आप देखते हैं कि 50,000 हो गए, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, इस तरीके से ब्लड में चेंजेस आते हैं। तो प्राइमरली पेशेंट को क्या मालूम पड़ेगा, पेशेंट को एकदम कमज़ोर मालूम पड़ता है उसको, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, WBC कम होता है। WBC तो आपके शरीर की रक्षा करने वाला सेल है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने वाला सेल है, तो जब WBC कम होंगे तो फीवर आएगा, और अगर प्लेटलेट कम होंगे तो ब्लीडिंग होगी। अगर ये तीन सिम्टम किसी पेशेंट को आ रहे हैं, कमज़ोरी, बुखार
और चमड़ी के ऊपर लाल निशान या ब्लीडिंग के सिम्टम, तो समझ हो सकता है कि उसको ब्लड कैंसर हो। तो यूजुअली दो सेल्स में अगर कमी आती है, WBC प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन प्लेटलेट या फिर प्लेटलेट हीमोग्लोबिन, अगर ये दो दो किस्म में कम होते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो डिजीज़ बोन मैरो में है। इसलिए बोन मैरो को देखा जाता है और वहाँ जाके देखने के बाद मालूम पड़ता है कि इसको ब्लड कैंसर है। अगर बोन मैरो खाली हो गई है जबकि वहाँ कुछ नहीं बन रहा, तो ऐसी बीमारी को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया और ल्यूकीमिया में डिफरेंस ये है कि ल्यूकीमिया पूरा फुल कर देता है बोन मैरो और एप्लास्टिक में खाली जाती है। एक किस्म समझो कि एक खेत है जो पूरा भरा हुआ खेत है और एक खेत खाली है। खाली खेत में कुछ नहीं बनता, भरे हुए खेत में बंजर है, वहाँ कुछ नहीं बन रहा। दोनों में बनता कुछ नहीं है मगर एक भरा होता है एक खाली होता है। बात अगर की जाए और एज कैटेगरी के बारे में, तो ये जो ल्यूकेमिया, ये जो रक्त व्याधि है, ये किस एज से किस एज के कैटेगरी के लोगों को होती है, और साथ ही साथ क्या ल्यूकेमिया ये जेनेटिक रक्त व्याधि हो सकती है? ये ब्लड कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, बट यूजुअली जो एक्यूट ब्लड कैंसर है वो ज़्यादा कॉमन बचपन में देखे जाते हैं, छोटे बच्चों में देखे जाते हैं, 2 साल से 10 साल की उम्र में ज़्यादा देखा जाता है। और उसमें भी खासकर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में भी टाइप्स हैं। तो ALL जो है वो मोर कॉमन इन चिल्ड्रन में, और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाता है और इलाज में पेशेंट्स ठीक भी होते हैं। और दूसरा जो एडल्ट में होता है वो मोस्टली क्रॉनिक ल्यूकेमियाज होते हैं। क्रॉनिक ल्यूकेमिया में से दो टाइप के हैं, लिम्फेटिक ल्यूकेमिया एंड माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। तो बचपन के एक्यूट ल्यूकेमियाज कॉमन है और एडल्टहुड में क्रॉनिक ल्यूकेमियाज कॉमन है, मगर एक्यूट ल्यूकेमिया एडल्ट्स में भी आते हैं और क्रॉनिक ल्यूकेमिया बच्चों में भी हो सकते हैं। तो सभी एज, कोई भी एज उससे अलग नहीं है। सर, अगर उपचार संदर्भ में अगर बात करें तो ल्यूकेमिया को लेकर कौन कौन से उपचार तंत्र फिलहाल उपलब्ध है, क्या? देखिए, जो आज ट्रीटेबल डिजीज़ माना जाता है, अगर एक्यूट ल्यूकेमिया देखा जाए तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो है ये ट्रीटेबल है, ऑलमोस्ट ट्रीटेबल है। 80-90% पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड ऑफ देयर डिजीज़ बाय जस्ट कीमोथेरेपी, और कुछ परसेंट पेशेंट्स जहाँ पे कीमोथेरेपी फेल होती है, रिलैप्स होते हैं, या कुछ बैड प्रोग्नोस्टिक ब्लड कैंसर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होते हैं, उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक किया जा सकता है। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया अगर देखा जाए तो एक सक्सेस स्टोरी है, और ये सक्सेस स्टोरी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और ये सक्सेस स्टोरी हम लोग भी अपने प्रैक्टिस में देखते हैं। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया सक्सेस स्टोरी, क्रॉनिक लिम्फेटिक क्रॉनिक ल्यूकेमिया क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया अगेन ए सक्सेस स्टोरी, क्योंकि इसके डिफेक्ट को हमने समझा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे इसका डिफेक्ट को समझा है, और उस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए आज हमारे पास दवाइयाँ हैं जिससे मोर देन 90% पेशेंट्स दे कैन बी क्योर्ड। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया आज 2000 से पहले एक भी व्यक्ति क्योर ठीक नहीं होता था। अगर उसके पास सारी दुनिया की भी संपत्ति होती तो शायद वो अपने आप की अपनी जान को नहीं बचा सकता था, मगर सन 2000 से ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास ऐसी दवाई मिली जो उसके डिजीज़ को समझने के हिसाब से, उसके मॉलिक्यूलर डिफेक्ट को समझने के हिसाब से बनाई गई, और वो एक प्रकार से एक प्रोटोटाइप बन गया आगे ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए, या कोई भी कैंसर को ठीक करने का एक तरीका मिल गया है कि कैसे ठीक करना चाहिए। वो हमें सिखाया क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। सर, अगर हम अमेरिकन ऑन्कोलॉजी की बात करें यहाँ पर, तो कौन कौन सी फैसिलिटीज रक्त व्याधि के पेशेंट के लिए अवेलेबल है? अमेरिकन ऑन्कोलॉजी में ब्लड कैंसर का हम इलाज कर सकते हैं यहाँ पर। जो भी अवेलेबल इंडिया के अंदर जो पॉसिबल है वो सब हो सकता है यहाँ पर, और हम लोग उसका इलाज कर ही रहे हैं बहुत सालों से। अंत में जनता को क्या संदेश देंगे आप अमेरिकन ऑन्कोलॉजी आपके और से और चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे ल्यूकेमिया को लेकर? हमारा संदेश यह है कि अगर आपको ब्लड कैंसर की बीमारी है, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, बहुत अच्छी तरह से ठीक होते हैं। सिर्फ इतना है कि उनका निदान सही होना चाहिए, डायग्नोसिस सही होना चाहिए, और डायग्नोसिस सही होने के बाद में एक रास्ता सही अगर चुना जाए तो बहुत सारे कैंसर्स, ब्लड कैंसर्स हम आज ठीक कर सकते हैं। सर, अगर बात की जाए आपके बारे में, तो हेमेटोलॉजी इस वर्ल्ड में लगभग आपको 34 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा सर 34 साल? हमने तो हेमेटोलॉजी को डेवलप होते हुए देखा है, एक इन्फेंसी में एक बच्चा जैसे ग्रो करता है वैसे ही। तो जितने भी इसके जो भी इंट्रिकसीज है ब्लड कैंसर्स की या ब्लड रिलेटेड डिजीज, ये सब हमने देखा, हमने वो भी देखा है, पेशेंट को मरते हुए भी देखा है, जिनको हम बचाने की कोशिश करते हैं, जिनके पास पैसे भी थे, सब कुछ था, मगर उनको भी हम नहीं बचा सके। और आज हमें काफ़ी अपने ऊपर अभिमान होता है कि आज हमने
बहुत सारे ब्लड कैंसर्स के ऊपर मैं एक अच्छा कंट्रोल मतलब प्राप्त किया है, और ये सब साइंटिफिक डेवलपमेंट के हिसाब से है। जो साइंटिफिक डेवलपमेंट और जो स्किल्स डेवलप हुई हैं इन लास्ट 10-20 ईयर्स, जस्ट बिकॉज साइंस इस तरीके से डेवलप, साइंस एक तरफ तो एक तरफा नहीं डेवलप हुआ, कंप्यूटर्स आए, मॉलिकुलर टेस्ट आए, हमने डीप स्टडीज़ की, और इन सब की तरीके इन सब से नए नए डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी जो कि जस्ट इम्पॉसिबल सी थी, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो आज हमारे पास उपलब्ध है, और उसकी वजह से डायग्नोसिस अच्छा हो जाता है और ट्रीटमेंट भी बहुत ही स्पेसिफिक, क्योंकि डायग्नोसिस को भी हम काफ़ी बारीकी से पहचान पाते हैं, और बारीक से जब भी किसी बीमारी का बारीकी से डायग्नोसिस होता है तो उसका इलाज भी बहुत बारीक होता है, और इसीलिए उसमें सक्सेस प्राप्त होती है। मुझे लगता है साइंस ओवरऑल डेवलपमेंट की वजह से मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है। 34 साल का ये समय था आपके प्रैक्टिस का, इसमें ऐसा एक कोई क्षण जो आप जिंदगी में कभी ना भूल पाए अब तक, क्या भूले नहीं ऐसा एक हाथ मेरी ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब आप किसी की जान बचाते हैं। मुझे याद है कि एक पेशेंट हमारे पास में आया था और वो ऑलमोस्ट पल्सलेस था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, और उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था, उसको एक्यूट ल्यूकेमिया था, और जब वो हमारे पास हमारे, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं थे, कोई तरीके नहीं थे, फिर भी हमें उस समय हम मेरे साथ में 2-3 लोग थे, तो मैंने उनको पूछा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1990s की, जब कुछ भी पॉसिबल नहीं था, तो उनका ब्लड निकाल के उसको ट्रस्ट में हम जब उसको लगाया, और थोड़ी देर के बाद जब वो आँखें उसने खोली, बोले मुझे लगा कि मैं मर गया। तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा कि क्या बेबस हो जाता है इंसान, ये बेबसी का आलम नहीं तो क्या है, कि वो अपने आप को जीते जी ऐसा लगा जैसे वो पानी के अंदर डूब रहा है और डूब गया, और फिर एकदम हम उसको बाहर निकाल दिया और कहता कि मैं बच गया। ये फीलिंग्स जो होती है हमारे हमारे प्रोफेशन बहुत आती है और बार बार आती है, इसलिए दिल करता है, इसलिए हमेशा दिल करता है कि हम यही, हमें जो भगवान ने जो ये काम दिया है इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब कुछ पॉसिबल है, आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी अपनी आत्मा को शांति दे सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। तो मुझे लगता है ये जो हम लोगों का जो हम लोग डॉक्टर्स हैं सभी का इसी तरीके की फीलिंग है कि जब किसी का दुख दूर होता है, जब किसी का हम दर्द दूर करते हैं, तो एक अजीब व गरीब फीलिंग हमको होती है जो किसी भी तरीके से नहीं मिल सकती।